प्रदेश में बिजली के लगातार बढ़ाए जा रहे दामों पर उद्योगपतियों ने नाराजगी जताई है और एक बार फिर सरकार से इस बारे में विचार करने की मांग की है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा लगातार बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे उद्योगपतियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के बीच उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के दाम कम होने के कारण ही पहले कई उद्योगपति हिमाचल प्रदेश में उद्योग के लिए पहुंचे थे और अब बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सतीश गोयल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों का पलायन होने से बेरोजगारी बढ़ेगी और आने वाले समय में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि अगर ये रेट बढ़े तो यहाँ रेट्स बिजली के ज़्यादा हो जाएंगे और इंडस्ट्री यहाँ से प्लान करनी शुरू हो जाएगी, जो कि पहले भी हो चुकी है। और कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे हम तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकेगी और यहाँ से इंडस्ट्री जानी शुरू हो जाएगी। हम तो बार बार इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई सेंटर से पैकेज, कोई ऐसा इंडस्ट्री को यहाँ पैकेज मिले, क्योंकि यहाँ ना तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है और ना यहाँ फिनिश गुड बिकती है। बाहर से ही रॉ मटेरियल आता है और बाहर ही फिनिश गुड जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे आप कम्पीट बाकी स्टेट से कम्पीट नहीं कर सकते। जब तक यहाँ कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं होगा तब तक हम कम्पिटिशन में नहीं आ सकते दूसरी स्टेट के मुकाबले में और यहाँ से हम इंडस्ट्री नहीं सेटअप हो सकेगी। नेचुरल है कि इंडस्ट्री पर लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, इंडस्ट्री जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जाएगी।